सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। और इस समय हम बैठे हुए हैं कसोल में, और मेरे पीछे ये जो बह रही है ये पार्वती नदी है, और पीछे हो सकता कैमरे में ना दिख रहा हो उधर तो आपकी माउंटेन पीक्स है विद स्नो कवर्ड। तो कल का सीन ऐसा रहा है, कल रात में 2 ही बजे आ गए थे कसोल। कसोल से थोड़ा तक डायरेक्ट बस नहीं आती है तो भुंतर तक आए थे। तो भुंतर से कसोल की डिस्टेंस लगभग 30 किलोमीटर रह जाती है, और वो 30 किलोमीटर के लिए 4 घंटे वेट करना पड़ा था। रात को 2 बजे आ गए थे, 2-2.5 बजे, और सुबह की 5 बजे के लगभग मिली हुई है। तब तक बिल्कुल ऐसे ही काटा है टाइम, तखत पे बिस्तर लगा के। तो खैर यहाँ पे जैसे ही आए हैं, कसोल की सीनरी वाकई बहुत अद्भुत है, और ये पार्वती नदी शान है यहाँ की। और यहाँ से मतलब कसोल से काफ़ी सारे ट्रैक्स भी जाते हैं। यहाँ पे मणिकरण गुरुद्वारा भी है, एक टोस विलेज है, और बाकी यहाँ के जो कैफेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, और बाकी यहाँ के नज़ारे आपको हम पूरी तरीके से दिखा रहे हैं। तो ये जो आपकी आ रही हैं स्नो कवर्ड पीक्स, ये तो ये दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही हैं। और ये नदी का जो फ्लो है ये भी काफ़ी अच्छा आ रहा है पूरा। और ये इधर एक ब्रिज आपको दिखेगा, ये रहा ब्रिज। इस ब्रिज से इधर एक गांव जाता है चलाल, वहाँ पे भी काफ़ी सारे होम स्टेस हैं, काफ़ी सारे होम स्टे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं, रुकने की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे। और ये पूरा अद्भुत है कसोल, इसीलिए यहाँ पे लोग आते हैं। यहाँ पे फॉरेनर भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो क्योंकि कसोल की आइकॉनिक ब्यूटी बहुत बढ़िया है। और ये नदी के नज़ारे, क्या फ्लो चल रहा है, और ये ब्लैक ब्लैक पुल की पूरी परछाई आ रही है, और सामने ये सारे कुछ होम स्टेज बने हुए हैं, इसके सामने भी रुक सकते हैं। और ये पूरा नदी का व्यू आ रहा है, बहुत ठंडा पानी है इसमें। तो कतई गजब एक्सपीरियंस है।